सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और बेल आइकन को दबाएं माई स्मार्ट ट्रिक के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, माई स्मार्ट ट्रिक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा कि 16 मई को मारुति सुजुकी ने डिजायर के न्यू वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है। मारुति सुजुकी ने अपने पावरफुल कॉम्पैक्ट सेडान कार डिजायर का नया अवतार पेश कर दिया है। कंपनी ने अपने इस कार को 16 मई को लॉन्च किया, हालांकि इसकी बुकिंग 7 मई से ही शुरू हो गई थी। इसमें सबसे खास बात यह है कि नई मारुति डिजायर को अत्याधुनिक फीचर से लैस नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट हैचबैक की तर्ज पर लाया जा रहा है। यानी इसमें लुक और डिजाइन से लेकर फीचर समेत कई सारी चीजें इसमें हैचबैक की तरह ही होगी। इसके नए अवतार को पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में लाया गया है। अपने इन्हीं फीचर्स की बदौलत नई डिजायर अपने सेगमेंट की कारों को टक्कर देते हुए ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होगी। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं उन 10 सबसे खास फीचर्स के बारे में जो ग्राहकों को काफी पसंद आने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सबसे इम्प्रेसिव फीचर है डुअल एयरबैग स्टैंडर्ड फीचर। फीचर्स के आधार पर नई डिजायर में कई सारे मॉडल उपलब्ध होंगे, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि अब इसके सभी वेरिएंट में डुअल एयरबैग स्टैंडर्ड फीचर्स दिए जाएंगे। यानी इसकी एंट्री लेवल में भी अब ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर एयरबैग लगे होंगे। दूसरा फीचर है दोस्तों ABS विथ EBD स्टैंडर्ड फीचर। नई डिजायर की एक और खास बात है कि इसमें ABS विथ EBD भी स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पर दिया जा रहा है। यह एक सेफ्टी फीचर है जो बहुत काम का है। तीसरा स्टैंडर्ड फीचर है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट के साथ नेविगेशन। नए मारुति डिजायर का कैबिन बहुत ही आकर्षक और खास फीचर्स वाला है। इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट के साथ नेविगेशन भी दिया जा रहा है। चौथा स्टैंडर्ड फीचर है ज्यादा स्पेस वाला कैबिन। हालांकि अब तक आने वाली डिजायर के कैबिन में ज्यादा स्पेस नहीं होता था, लेकिन नई डिजायर में इस कमी को पूरा किया गया है। इसका व्हील बेस बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से कैबिन में काफी सारा स्पेस होगा। ड्राइवर समेत पैसेंजर आसानी से बैठ सकेंगे। पांचवा फीचर है दोस्तों बड़ा बूट। अभी तक आने वाली डिजायर में 320 लीटर का बूट दिया गया था, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे कम था, लेकिन नई डिजायर में इसे बढ़ाया गया है, जिससे इसकी डिग्गी में ज्यादा से ज्यादा सामान भरा जा सकता है। छठा फीचर है दोस्तों प्रोजेक्टर हेडलैम्प और डे टाइम रनिंग LED लाइट्स। अपनी सेगमेंट में लॉन्च हुई टाटा टिगोरा और जेस्ट को टक्कर देने के लिए नई डिजायर में प्रोजेक्टर हेडलैम्प और डे टाइम रनिंग LED लाइट्स भी दिया जा रहा है। सातवां फीचर है दोस्तों SHBS टेक्नोलॉजी और ज्यादा माइलेज। हालांकि नई डिजायर में इंजन संबंधी कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। इसके पेट्रोल मॉडल में 1.2 लीटर इंजन तथा डीजल मॉडल में 1.3 लीटर डीजल इंजन दिया जा रहा है, लेकिन इसमें SHBS यानी कि स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल बाय सुजुकी टेक्नोलॉजी दिया जा रहा है। इस वजह से नई डिजायर का माइलेज ज्यादा होगा। आठवां फीचर है दोस्तों क्रूज कंट्रोल। नेक्स्ट जनरेशन डिजायर में क्रूज कंट्रोल दिया जा रहा है। यह फीचर फिलहाल इस सेगमेंट की फॉक्सवैगन MU में ही दिया गया है। नवा फीचर है दोस्तों आइसोफिक्स एंकरेज। यह एक सेफ्टी फीचर है जो कार में बूस्टर सीट पर बैठे बच्चों के लिए बहुत ही खास है। दसवां फीचर है दोस्तों कूल्ड ग्लोव बॉक्स। नई डिजायर में कूल्ड ग्लोव बॉक्स दिया जा रहा है। इसमें ड्रग्स को ठंडा रखा जा सकेगा। तो मेरे दोस्तों आपको यह डिजायर का नया वेरिएंट पसंद आया होगा और हमारा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।